दोस्तों, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में बीमारी और बीमारी के चलते होने वाली परेशानियों शरीर में ज़्यादा घेरती है। इसी वजह से ठंड के मौसम में सर्दी की जुकाम, फ्लू, गले में खराश जैसे इन्फेक्शन और ब्रेन स्ट्रोक, लकवा जैसी सीरियस मेडिकल कंडीशन का खतरा ज़्यादा बना रहता है। लेकिन आज हम इस खबर में आपको बताने वाले हैं सर्दियों में लकवा से कैसे बचाव किया जा सकता है। दरअसल सर्दियों में लोगों को ठंडे कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की ठीक तरह से न होने की शिकायत रहती है और यही वजह रोजाना अस्पताल में 40 से 45 मरीज सीने में दर्द और शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें 6 से 7 मरीज ईसीजी रिपोर्ट में हार्ट की समस्या बताई जा रही है। इसके साथ हर रोज 3 से 5 मरीज को हार्ट अटैक होने के चलते भर्ती किया जा रहा है। ओपीडी में प्रतिदिन 60 से 70 मरीज आ रहे हैं। सामान्य दिनों में एक दिन में 4 से 5 ईसीजी जाँच हो रही है, जो और बढ़कर 20 से 30 तक पहुँच गई है। सभी मरीजों को उपचार हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता ने बताया कि समय रहते इसको बचाव करना बेहद जरूरी है। सर्दियों में हो सके गर्म कपड़े पहने और लोग घरों से कम निकलें। डॉक्टर सिद्धार्थ चौहान ने जानकारी दी तो बताया कि कुछ लक्षण ऐसे भी हैं कि जो लकवा के परेशान कर सकता है। देखिए, सर्दी के मौसम में बीपी बढ़ने के कारण कई बार ऐसी लकवे जैसी स्थिति या हाथ पैरों की कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। ये ज़्यादातर बुजुर्गों के केस में देखा जाता है जिनका कि बीपी अनकंट्रोल जा रहा होता है। तो बीपी बढ़ने के कारण दिमाग के अंदरूनी कोई भी नस या फिर खून का थक्का जमने के कारण लकवा होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी बचाव क्या है, कैसे बचाव किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा बचाव बुजुर्गों को रखना है या फिर वो मरीज जिनका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, सबसे ज़रूरी तो वो अपने खान पान में थोड़ा सा नमक को कम करें। इसके अलावा जो बीपी की मरीज़ हैं वो अपनी दवाएं नियमित समय पे लेते रहें तथा हाथ पैरों में कोई भी ऐसी कमजोरी होने पे या आंखों से धुंधलापन दिखने पर योग्य चिकित्सक को दिखा के परामर्श लें। जी, जैसी अभी आजकल स्थिति चल रही है, युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ थोड़ी सी अग्रसर है, तो उसके कारण जो लोग बीड़ी, तम्बाकू, गुटखे का सेवन या शराब का सेवन करते हैं युवा पीढ़ी में भी, उनमें बीपी बढ़ने के कारण या अचानक से खून का थक्का जमने के कारण लकवे की समस्या देखी जा रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो युवा लोग हैं वो नशे को थोड़ा सा कम करें तथा अगर कोई भी समस्या आ रही है तो किसी भी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। लकवा आमतौर पर किन किन उम्र के लोग हो सकता है? देखिए, लकवा किसी भी उम्र के लोग को हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बुज़ुर्गों में ही देखा जा रहा है जिनका कि बीपी की समस्या बनी रहती है तथा वो दिल के मरीज़ हैं। तो आमतौर पर इन लोगों में कहीं भी जो खून का थक्का है वो खून की नसों में जमने के कारण हाथ पैरों का बिल्कुल जो कमज़ोरी है वो आ जाती है।